अगस्त 2018 में खालिस्तान आंदोलन के समर्थक लंदन में एक कांग्रेस पार्टी की सभा में जबरदस्ती घुस गए। इस घटना को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स ने रिपोर्ट किया था। Three Sikh separatists attempted to interrupt Indian opposition leader Rahul Gandhi's event in London. The pro-Khalistani activists managed to enter the event where Rahul Gandhi was to deliver the inaugural address at the Indian Overseas Congress UK mega conference and started shouting slogans of Khalistan Zindabad. In a counter chant, the audience began chanting Congress Party Zindabad in reaction to the attempted disruption. The Khalistan supporters were later ushered outside by Scotland Yard officers following a minor scuffle. The incident took place before Rahul Gandhi's arrival at the venue. इन रिपोर्ट्स ने स्पष्ट किया कि ये खालिस्तानी समर्थक बिना निमंत्रण के घुस पड़े थे और कुछ ही देर बाद जब वो भारत के विरोध नारे लगाने लगे तो सिक्योरिटी ने उन्हें बाहर निकाल दिया था। लेकिन उस सभा का वीडियो वायरल हो गया इस दावे के साथ कि खालिस्तान के समर्थक कांग्रेस के सभा में भाग ले रहे थे और कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया कि वो भारत के विरुद्ध नारों का समर्थन कर रहे थे। सोशल मीडिया यूजर गौरव प्रधान ने एक मैसेज को 18 फरवरी 2019 को पोस्ट किया जिसको 3000 बार से ज्यादा रीट्वीट किया गया है, जिसमें ये सवाल पूछा है कि क्या राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी है। ये वीडियो पिछले महीनों में कई बार शेयर करा गया है ऐसे दावों के साथ और तब भी ऑल्ट न्यूज और अन्य न्यूज एजेंसीज ने इसका पर्दाफाश किया था। अगर कोई भी न्यूज रिपोर्ट, फॉरवर्ड या अफवाह आपको जज्बाती लगे तो कृपया इसकी जांच करें, जिम्मेदारी से शेयर करें ताकि हम सब साथ मिलकर फेक न्यूज का सामना कर सकें। धन्यवाद।